Hi friends, welcome to the video. So today I will do the 9th, 10th and 11th sum of exercise 4.1. Math size and technical learning books is the revised edition. So let's start. My name is Sahil and you are watching CBSE First Word Guide. So friends, जो कि हमारा 9th sum है वो है in a 5-storied mansion. There are 18 rooms, मतलब कि 18 rooms on each floor and in every room there are 20 switches, मतलब कि 20 switches हैं हर एक room में. How many switches are there in all rooms of the building? So number of switches in a room है 20. और अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, number of rooms on a floor, जो भी हमें पता जो कि है 18, number of rooms in फ्लोर. तो अब हमने एक फ्लोर के स्विचेस निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्विचेस ऑन अ फ्लोर, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. एक फ्लोर में कितने स्विचेस होते हैं, तो 20 को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं. 20 18, और यहाँ पर 8 16 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन 10 12 2, तो प्लस कर कर हमारा आंसर आ जाएगा 0 6 3 360 हमारा आंसर आ जाएगा. और स्विचेस जो कि एक फ्लोर पर है वो है 360, बट जो कि हमारी स्टेटमेंट है उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 5-storied बिल्डिंग है और हमने ऐसे निकालने उस बिल्डिंग में कितने सारे स्विचेस हैं. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्लोर्स, फ्लोर्स कितने हमारे 5, नंबर ऑफ स्विचेस ऑन अ फ्लोर, एक फ्लोर में कितने हैं, सॉरी यहाँ पर मैं 5 लिख दूँ, नंबर ऑफ स्विचेस ऑन अ फ्लोर तो एक फ्लोर पे है 360 जो कि यहां पर है. सो नंबर ऑफ स्विचेस इन द बिल्डिंग्स, इन द बिल्डिंग, इन द होल बिल्डिंग, जिस इन द होल बिल्डिंग बाय द वे गाइस, आज गुरुपूरब है इसलिए आप सभी को हैप्पी गुरुपूरब. नंबर ऑफ स्विचेस इन द होल बिल्डिंग है जो कि उसको निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 360 के साथ, और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ स्विचेस इन द होल बिल्डिंग. तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, 5 360 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, 5 0 0, 5 6 30, 5 3 हो जाता है 15, 15 प्लस 3 18, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा, 1800 को हम यहाँ पर लिख देंगे. सो हमारा आंसर है 1800. तो इसके जो कि हम स्टेटमेंट आखिरी में लिखते थे वो हम लिखेंगे, सो नंबर ऑफ स्विचेस, नंबर ऑफ टोटल स्विचेस इन द बिल्डिंग, नंबर ऑफ टोटल स्विचेस इन द बिल्डिंग इज 1800. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम. ओके सो जो कि हमारे 10th सम है वो हम कैसे करेंगे, जैसे कि कुसुम ने फर्स्ट इनिंग में कितने रन स्कोर किए, सबसे पहले हम वैसे लिखेंगे, कुसुम स्कोर्ड रन्स इन फर्स्ट इनिंग, रन्स इन फर्स्ट इनिंग, तो वो हम देख लेते हैं, तो वो है यहाँ पर 53 रन्स, तो हम 53 लिख देते हैं. और अब उसके बाद हम लिखेंगे ही स्कोर्ड इन सेकेंड इनिंग, तो यहाँ पर हम ऐसे ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर वही लिखा जाएगा, बस फर्स्ट की जगह पर सेकेंड आ जाएगा और इनिंग इनिंग ही रहेगा. सो अब
जो कि उसने सेकंड इनिंग में स्कोर किए थे वो थे 45। ओके सो अब हम लिखेंगे टोटल रन स्कोर्ड, टोटल रन स्कोर्ड, उसने कितने रन टोटल स्कोर किए, तो उसमें हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। सो 98 उसने रन स्कोर किए दोनों इनिंग्स को मिलाकर। सो लेट्स मूव एंड मतलब कैलकुलेट, 45 रन, मिताली ने फर्स्ट इनिंग में कितने रन स्कोर किए, मिताली स्कोर्ड रन्स इन फर्स्ट इनिंग, स्कोर्ड की स्पेलिंग गलत सॉरी हो गई, रन्स इन फर्स्ट इनिंग, तो उसने फर्स्ट इनिंग में कितने रन स्कोर किए 45, और उसने सेकंड इनिंग में कितने किए, सो उसने सेकंड इनिंग में किए 53, और उसके टोटल रन्स कितने हो जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बार गाइस आप सभी को दिखा भी देता हूँ मैं, उसने 45 रन स्कोर किए थे फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में 53 किए थे। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं वैसे ही, तो टोटल रन स्कोर हैं, टोटल रन स्कोर्ड इज इक्वल टू 8, यहाँ पर 98, दोनों ने 98 किए। अब हम इन दोनों को जैसे कि हम पुट द साइन करते थे वैसे हम डाल लेते हैं, तो अब यहाँ पर भी 98 है, यहाँ पर भी 98 है, साफ दिख रहा है ये इज इक्वल टू का साइन लगेगा, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। तो वहां पर लिखा हुआ था हु स्कोर्ड मोर रन, तो हम यहाँ पर सो डालकर रखेंगे बोथ कुसुम एंड मिताली, सॉरी यहाँ पर एच डालना भूल गया, एंड मिताली स्कोर्ड इक्वल रन्स, उन दोनों ने इक्वल रन्स ही स्कोर किए, बस फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में उनका डिफरेंस हो गया। ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो 11th सम करने के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि पेजेस कितने हैं उस बुक में, पेजेस इन द बुक, फोकस हो जा, फोकस नहीं हो रहा गाइस सॉरी, हाँ चलो अब होने लगा है, पेजेस इन द बुक, सो पेजेस इन द बुक हैं 176, और कितने पेजेस के बाद अब पजल आती है, नंबर ऑफ पेज मतलब पेजेस आफ्टर पजल कम्स, कितने पेजेस के बाद पजल आती है, तो वो है 8। तो अब नंबर ऑफ पजल्स निकालने के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, पजल्स इन द बुक, सो 176 को हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ में, सो डिवाइड कर देते हैं हम 176, यहाँ पर 8 8 17 16, यहाँ पर आ जाएगा 116। ओके सो 22 पर आ जाएगा ये, और इसका आंसर होगा 22। सो हम यहाँ पर सो वाली लाइन लिखेंगे, सो नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पर मैंने डॉट डाल दिया, कॉमा डालना था, सो नंबर ऑफ पजल्स इन द बुक इज 22, तो टोटल बुक्स हैं 22 इस पूरी बुक में। ओके सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। बट जाने से पहले मैं आप सबको सभी के आंसर बता देता हूँ, सो जो कि हमारा 9th सम था जो कि हमारा, उसका आंसर था 1800, जो कि आपको अब साफ दिख रहा है। ओके सो जो कि हमारा सेकेंड था उसका आंसर था सो कुसुम एंड मिताली स्कोर इक्वल रन्स, मतलब कि उन दोनों ने इक्वल रन्स स्कोर किए थे, इक्वल उसका आंसर था। तो हमारा 11th का आंसर है 22, नंबर ऑफ पजल्स इन द बुक इज 22। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन बाय।